समर सीजन में मिनिमम केयर प्लांट की बात करें तो अडेनियम का नाम इसकी फ्लावर्स की खूबसूरती की वजह से सबसे पहले आता है। इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। यह एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। बेसिकली यह अफ्रीका से बिलोंग करता है, इसीलिए गर्म जलवायु में यह आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। अडेनियम प्लांट को सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। इसके लिए सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब हम पौधे को पानी दें तो एक्सेस वाटर आसानी से निकल जाना चाहिए। रुका हुआ पानी इसकी जड़ों को गला देता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, वन पार्ट ऑफ कोकोपिट, वन पार्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट, वन पार्ट ऑफ सैंड, वन पार्ट ऑफ गार्डन सॉइल इज बेस्ट कंपोजिशन फॉर अडेनियम प्लांट। अगर बात करें सनलाइट की तो अडेनियम प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है। इसे मिनिमम 4 to 5 hours के लिए सनलाइट में रखना ही चाहिए, अदरवाइज इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अडेनियम प्लांट के लिए वाटरिंग डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ वेदर पर। अगर समर सीजन है और यह 4 to 5 hours के लिए डेली सनलाइट में रखा हुआ है तो इसे डेली वाटर देना जरूरी है। अगर विंटर सीजन है तो हम 1 या 2 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं। रेनी सीजन में इसे तभी पानी दीजिए जब इसकी सॉइल सूखी हुई दिखाई दे। अडेनियम का प्रोपगेशन स्टेम कटिंग और सीडलिंग से किया जा सकता है। फ्लावरिंग के बाद इस पर सीड पॉड्स बनती हैं, जिन्हें हमें बहुत सावधानी के साथ मैच्योर करना पड़ता है। इन सीड पॉड से सीड कलेक्ट करके हम इन्हें बेबी प्लांट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर अडेनियम के बारे में मेरी यह जानकारी आपके किसी भी काम आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।